बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कार्टियन प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कार्टियन प्लेन हमने चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y-एक्सिस, ये आपके पास है कार्टियन प्लेन। अब कार्टियन प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी के स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर 168 पे, जहाँ पे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पेज पे लास्ट पे मेंशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टियन प्लेन। अब सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। बल्कि यहाँ पे आप ब्रैकेट की जगह पे एब्सल्यूट वैल्यू भी लिख सकते हैं। एब्सल्यूट वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। देखें एब्सल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी एब्सल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो देखें यहाँ पे ऊपर स्केयर है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका स्केयर लेने से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको एब्सल्यूट वैल्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। कुछ पॉइंट्स के पेयर्स हमें गिवन है और उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, हमें पॉइंट ए गिवन है 9, 2 और इसी तरह पॉइंट बी गिवन है 7, 2। पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखें ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल आएगा स्केयर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। तो यहाँ से आपने इस तरह से दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना। अब x2, x1 और y2, y1 वैल्यूज आपके पास कहाँ से आएंगी? जो पॉइंट आपको गिवन है, फर्स्ट पॉइंट, अब हमें पता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। फर्स्ट को आपने x1, y1 कंसिडर कर लेना और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को x2, y2। यानी कि अब यहाँ पे x1 हमारे पास है 9, y1 है 2, इसी तरह x2 हमारे पास है 7 और y2 है 2। तो आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो ये आपके पास x2 है, 7 माइनस x1 हमारे पास है 9, 7 माइनस 9 का स्केयर, इसी तरह 2 माइनस 2, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 2 का स्केयर। ये वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 9 माइनस का 2 स्केयर, वैसे ही 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, माइनस 2 का स्केयर, माइनस 2 का स्केयर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा,
स्क्वायर रूट 4 इक्वल आ जाएगा 2 के। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें दो पॉइंट्स गिवन थे हमने उनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2, पॉइंट ए गिवन है हमें 2 and -6, इसी तरह पॉइंट बी गिवन है 3 - 6। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला मेंशन कर देना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। तो ये आ जाएगा x1 y1, इसी तरह x2 y2। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -6, इसी तरह x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू -6। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 2, ये हमारे पास x2 है, ये x1 है, 3 - 2 का स्क्वायर + y2 - y1। तो y2 हमारे पास है -6, -y1 भी -6 है। तो ये आ गई y2 की वैल्यू, ये -y1 की वैल्यू -6 है, -6 स्क्वायर। देखें ये वैल्यू किस तरह से आई है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, ये वाला माइनस ये आ गया, इसी तरह y1 की वैल्यू भी -6 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + -6 - -6। अब -6 + 6 हो जाएगा 0, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा यहाँ पे, +0 का स्क्वायर √1 + 0, यानी कि √1 आ जाएगा, जो कि इक्वल है 1 के। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट ए है -8 1, इसी तरह पॉइंट बी आपके पास है 6 and 1। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, ए और बी का डिस्टेंस आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x2 y2 है, यानी कि x1 की वैल्यू -8 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू 1 है। तो यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, 6 - -8 का स्क्वायर, ये आपके पास है x2, 6 आ गया, -x1 की वैल्यू -8, +y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू भी 1, 1 - 1 का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 8 का स्क्वायर, 1 - 1 0 का स्क्वायर, 6 + 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहां से 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 14 आपके पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ए पॉइंट हमें गिवन है -4 √2, इसी तरह बी पॉइंट हमें गिवन है -4 - 3। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ए बी का डिस्टेंस इक्वल आएगा
स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो अब आपने एक्स वन और यहाँ एक्स टू वाई वन वाई टू यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब देखें एक ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ये एक्स वन है ये वाई वन है, इसी तरह सेकेंड ऑर्डर पेयर में ये एक्स टू है और ये वाई टू है, यानी कि एक्स वन की वैल्यू माइनस का फोर है और वाई वन की वैल्यू स्क्वायर रूट टू है। इसी तरह एक्स टू की वैल्यू माइनस का फोर है और वाई टू की वैल्यू माइनस का थ्री। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये एक्स टू है माइनस फोर, माइनस फोर माइनस एक्स वन भी हमारे पास माइनस का फोर है, माइनस फोर का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी कि माइनस थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस फोर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस, यहां से आप माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं यानी कि ब्रैकेट के इन साइड ही थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के इन साइड ही, स्क्वायर के इन साइड ही मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। देखें ये स्क्वायर इस पूरी वैल्यू के ऊपर है, माइनस का साइन जो है वो स्क्वायर के इन साइड आ रहा है। अब माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो जाएगा, स्क्वायर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखें नेगेटिव वैल्यू है और इसका स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल माइनस टू का स्क्वायर अगर हो तो इसको आप टू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर, टू का स्क्वायर भी फोर। तो अगर नेगेटिव साइन है तो ये आपके पास स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर सेम आएगा आपके पास। तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को आप इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है इस वैल्यू का, इस वैल्यू का स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। अब जीरो का स्क्वायर जीरो आ गया, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जीरो प्लस थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर फाइव सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर फाइव ए की वैल्यू पॉइंट ए गिवन है थ्री माइनस इलेवन, ए पॉइंट है थ्री माइनस का इलेवन, इसी तरह बी पॉइंट है थ्री माइनस का फोर, थ्री माइनस का फोर। अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए से बी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो है वो x1 y1 है और जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है वो x2 y2, यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y1 की वैल्यू यहाँ माइनस का 11 है, x2 यहाँ पे 3 है और y2 यहाँ पे माइनस का 4 है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 यहाँ पे 3 है माइनस x1 भी यहाँ पे 3 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, y2 यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस 4 माइनस और y1 यहाँ पे माइनस का 11 है, माइनस माइनस का 11। देखें साइन यहाँ पे किस तरह से आएंगे, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है माइनस का 4,
ये आ गया माइनस फोर। अब ये दरमियान वाला माइनस ये आ गया, इसी तरह वाई वन की वैल्यू में भी माइनस का साइन है, वाई वन है माइनस का इलेवन। सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री माइनस थ्री जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस फोर माइनस माइनस प्लस इलेवन का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जीरो, प्लस इलेवन माइनस फोर करेंगे सेवन आ जाएगा, सेवन का स्क्वायर। तो सेवन का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा सेवन। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर एट। पॉइंट ए गिवन है जीरो जीरो, इसी तरह पॉइंट बी गिवन है जीरो माइनस का फाइव, माइनस फाइव। ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ये है एक्स वन वाई वन, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू की वैल्यू जीरो, एक्स वन की वैल्यू भी जीरो। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, माइनस फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर। अब यहां से आपने सिंप्लीफाई कर लेना, जीरो माइनस जीरो ये आपके पास आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, माइनस फाइव माइनस जीरो माइनस का फाइव स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर आ गया जीरो, माइनस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी फाइव, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह जीरो प्लस ट्वेंटी फाइव हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव, और स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव इक्वल आ जाएगा फाइव के। अब इसी तरह एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पी हमारे पास एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पे है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस पे हो तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वैल्यू जीरो होगी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपको गिवन है, एंड क्यू बी दी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब क्यू जो है वो पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट बी है। देखें दोनों पॉइंट्स किस तरह से लिखे हैं हमने, हमें गिवन है कि पी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और क्यू एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका फिर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो साथ हमें गिवन है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बी है। तो यहां से हमें ए और बी की वैल्यूज गिवन है, ए और बी की वैल्यू पुट करके हम दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें, ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 7। अब यहां से ए और बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, पॉइंट पी बन जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 9, 9 0, और पॉइंट क्यू आ जाएगा 0, बी की वैल्यू आ गई 7। पी से क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है हमने,
पी से क्यू का डिस्टेंस, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब यहां से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। फर्स्ट जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर यानी कि जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी कि सेवन माइनस जीरो का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जीरो, माइनस नाइन, माइनस का नाइन आ जाएगा, माइनस नाइन का स्क्वायर सेवन माइनस जीरो सेवन का स्क्वायर, माइनस नाइन का स्क्वायर नाइन, नाइन जा 81 और माइनस का जो साइन है स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 81 प्लस 49 ये वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 81 में जब आप 49 ऐड करेंगे 130 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स में हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट 130। अब सेकंड पार्ट है इसका, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो यहां से आपके पास पी और क्यू पॉइंट आ जाएंगे। तो पी पॉइंट आपके पास होगा, ए की वैल्यू 2 है तो 2 0, और इसी तरह क्यू पॉइंट आपके पास होगा बी की वैल्यू 3 है तो 0 3, B की जगह पे B की वैल्यू आ जाएगी 3। तो P से Q का डिस्टेंस, P से Q का आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास X1 Y1 है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर X2 Y2 है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर यानी कि जीरो माइनस टू का स्क्वायर, जीरो माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वाई टू थ्री है और वाई वन जीरो है, थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर, थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट जीरो माइनस टू, माइनस का टू, माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस जीरो थ्री का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, इसी तरह थ्री का स्क्वायर नाइन, स्क्वायर रूट फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट थर्टीन। स्क्वायर रूट थर्टीन आपके पास पॉइंट पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस आ गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर थ्री, ए की वैल्यू गिवन है माइनस का एट और इसी तरह बी की वैल्यू गिवन है सिक्स, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे, ए की वैल्यू माइनस का एट, माइनस एट जीरो, और क्यू की वैल्यू जीरो, बी की जगह पे सिक्स। अब आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना है, पी से क्यू का डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब यहां से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन वाई वन, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। वैल्यू जब आप पुट करेंगे, एक्स टू की वैल्यू जीरो माइनस और एक्स वन की वैल्यू माइनस का एट, जीरो माइनस माइनस एट का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर।
अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0 प्लस 8 आ जाएगा, 0 प्लस 8 का स्क्वायर 6 माइनस 0 यानी के 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 जा ये आपके पास आ जाएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, स्क्वायर रूट में आपके पास आ गया 64 प्लस 36। अब यहां से जब आप इनको ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 100, स्क्वायर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 10 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको ए की वैल्यू गिवन है माइनस का 2 और बी की वैल्यू गिवन है माइनस का 3। तो पॉइंट आपके पास क्या बन जाएंगे, ए की वैल्यू माइनस 2, माइनस 2 0, और इसी तरह बी की वैल्यू माइनस 3, तो 0 और माइनस का 3। पी क्यू डिस्टेंस पॉइंट पी से क्यू का एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो यहां पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है स्क्वायर रूट। अब यहां ऑर्डर्ड पेयर में ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वन वाई वन और ये वैल्यू है एक्स टू वाई टू, यानी कि एक्स वन है माइनस का 2 और वाई वन है 0, एक्स टू है 0 और वाई टू यहां पे है माइनस का 3। वैल्यूज पुट करते हैं 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 आपके पास 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 9, स्क्वायर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 9, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 13 आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अब इसके पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं, ए की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू आपको गिवन है 1। तो यहां से आपने सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, पी पॉइंट है जी ए की जगह पे स्क्वायर रूट 2 0 और क्यू पॉइंट है बी की जगह पे 1। पी से क्यू का डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर x1 y1, इसी तरह सेकंड ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। तो यहां से x1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट या जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस वन का स्केयर वन आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। देखें ये माइनस का साइन क्यों खत्म हो गया, क्योंकि माइनस स्केयर रूट टू का स्केयर लेंगे या स्केयर रूट टू का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास आंसर सेम आएगा। नेगेटिव का साइन स्केयर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्केयर रूट टू प्लस वन, और स्केयर रूट टू प्लस वन आ जाएगा इक्वल स्केयर रूट थ्री के। अब हम लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस नाइन एंड बी इज इक्वल टू माइनस फोर। ए की वैल्यू आ गई माइनस का नाइन, बी की वैल्यू आ गई माइनस का फोर। तो यहाँ से आपने पी और क्यू पॉइंट लिख लेने हैं। पॉइंट पी है ए की वैल्यू माइनस नाइन जीरो, और पॉइंट क्यू है जीरो, बी की वैल्यू माइनस का फोर। फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स वन की वैल्यू माइनस नाइन, वाई वन की वैल्यू जीरो, एक्स टू की वैल्यू जीरो, वाई टू की वैल्यू माइनस का फोर। तो जीरो माइनस माइनस नाइन का स्केयर, इसी तरह माइनस फोर माइनस जीरो का स्केयर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर, जीरो माइनस माइनस नाइन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, माइनस फोर माइनस जीरो का स्केयर। ये आपके पास आ गया स्केयर रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस नाइन का स्केयर माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर का स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नाइन का स्केयर माइनस फोर का स्केयर, नाइन का स्केयर आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरह अब फोर का स्केयर है माइनस फोर का स्केयर, माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, फोर का स्केयर 16। जब आप ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 97, स्केयर रूट 97। ये आपके पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर वन और टू में, एक्सरसाइज 9.1 में हमें पॉइंट्स गिवन थे और उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 9.1 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे फी अमानिल्लाह।